Schau mal, schau mal, lass ihn hier. Oh, Alter. Oh, Alter. Du warst pure Mehrheit, so Siddhat se lage, Siddhat se. Ye, Badla utar raha hai, keh raha hai, beta, aaja. Pehli baar maarne ko mil. Haan. Oye. Aur dekho, maa beta lag raha hai, babu beta. Dekho, beta bhi laga dusra, ye. Kuch unka hi sapna hai. Hasti ho. दोस्तों सोनमर्ग का नज़ारा बहुत सुंदर है, आप देखें क्या नज़ारा है सोनमर्ग का, मज़ा आ गया आज तो। तो आप सोनमर्ग अगर जाना चाहते हैं तो अगर हवाई जहाज से आप जा रहे हैं तो सोनमर्ग का निकटतम हवाई अड्डा श्रीनगर हवाई अड्डा है, जो लगभग 102 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन जम्मू में है, जो सोनमर्ग से लगभग 360 किलोमीटर दूर है। उधमपुर रेलवे स्टेशन गांदरबल जिले से लगभग 293 किलोमीटर दूर है। आप सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से जाते हैं तो जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन NH1D पर कार या बस द्वारा 3 घंटे की यात्रा करके, यानी कि जो लगभग 87 किलोमीटर की दूरी है, आप सोनमर्ग आसानी से पहुँच सकते हैं। सोनमर्ग मतलब सोने का मैदान। तो जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। लेते हैं। अरे कितना खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर। तो भाई जी, सोनमर्ग जाने से पहले कुछ आवश्यक बातें जान लें। सर्दियों के दौरान सोनमर्ग दुर्गम रहता है, क्योंकि भारी बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण इसे आसपास के स्थानों से जोड़ने वाला NH1D जो मार्ग है वो बंद हो गया। कैसा लगा मैडम आपको? बहुत बढ़िया, बहुत मजे आ रहे हैं। वेरी गुड, निशाना सही लिया बिल्कुल। सर्दियों के दौरान सोनमर्ग में यूनियन टैक्सी, जैसे चैन टैक्सी भी कहा जाता है, मिलना अनिवार्य है। टंगमर्ग में चैन टैक्सियां उपलब्ध है। आप सर्दियों के दौरान घूमने और दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए सोनमर्ग में टट्टू भी किराए पर ले सकते हैं, तो वहाँ घोड़े भी आसानी से मिल जाते हैं, तो आप उन पर बैठ कर बड़े आराम से वहाँ पूरा दर्शनीय स्थल कर सकते हैं। ओ मेरी बल्ले, ओ पीली बल्ले, ओ किसी की बल्ले का। सोनमर्ग घूमने का सबसे बढ़िया जो टाइम है वो अप्रैल से अक्टूबर का है। तो यहाँ 10 ऐसी जगह है घूमने वाली जहाँ आप बड़े मजे से घूम सकते हैं और पूरा आनंद उठा सकते हैं, जिसमें नंबर 1 पर है थाजीवास ग्लेशियर। मस्ती बंदों के दिल में दिल हो गया मेरा तल्ली, और दिल हो गया वो तल्ली, देखो मेरी आ गई बल्ली, और बल्ले बल्ले हो गई रे, और बल्ले बल्ले। भाई साहब देखो, परमात्मा को किसी ने वैसे तो देखा नहीं, पर भाई साहब अगर देखना है तो देखो यार, देखो ये देखो भाई साहब, ये देखो, देख रहे हो आप। थाजीवास ग्लेशियर जो कश्मीर में सोनमर्ग से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर है, यह एक अद्भुत सौंदर्य वाला स्थान है जो पूरे वर्ष बर्फ से ढका रहता है। ग्लेशियर ट्रैकिंग के साथ साथ कैंपिंग के लिए भी एक आदर्श स्थान है, तो आप कैंप लेके भी इस स्थान पर जगह जा सकते हैं, अपना कैंप करके बड़े मजे से एंजॉय करें, चाय बनाए, मैगी बनाए और पूरा सुंदरता का अनुभव लें। ग्लेशियर के रास्ते में पर्यटकों को चारों ओर से हरियाली के साथ साथ चांदी जैसी चमकती हुई झील की सुंदरता भी देखने को मिलती है। यहाँ जुज्जर जनजातियाँ भी रहती हैं, यहाँ जो यहाँ शिविर स्थापित करती है, तो आप ऐसे भी शिविर में भी रह सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा स्थान है बाल घाटी सोनमर्ग में। तो आप बाल ताल जो है अपने प्राकृतिक दृश्यों के लिए जाना जाता है, जो कि बहुत सुंदर है। यहाँ पर टेंट भी लगाए जाते हैं, उन टेंटों में आप कम पैसे में भी रुक सकते हैं, और यहीं से गुफा में अमरनाथ जी गुफा में जाने का रास्ता भी यहीं से आता है। दोस्तों नदी का देख रहे हो, नदी का बहाव क्या मस्ती आ रही है, नदी में भी आप देखो कितना प्यारा व्यू है। देखो पत्थर के ऊपर बर्फ पड़ी है, कहीं पे पत्थर काला दिख रहा है, कहीं पे वाइट दिख रहा है स्नो की वजह से, तो देखो क्या नजारा, मजा आ गया, आत्मा खुश हो गई देख के।
अभी चलने वाले हैं आगे, थोड़ा आगे जो है और भी ज़्यादा हैवी स्नो है और वहाँ का भी लेते हैं आनंद। यहाँ हम लोगों ने कर लिया फुल इंजॉय। वही वाह, आनंद आ गए। अगर लास्ट वाले पर जीरो पॉइंट जाने के लिए सारी बातें हो रही हैं, कपड़ा कैसे, चार बंदे आए गए, किराए पे लेना है, घोड़े से जाना है या गाड़ी से जाना है, वही ये बता रहे हैं ना सर। शूज कोट के उसके ठीक है सर। उसके बाद जो घोड़े से जाना है, घोड़े से अगर के वन तक हाफ तक जाओगे तो 1200 रुपये टोटल। अगर के टू पे जाओगे उसके बैक में लास्ट तक जहाँ पे यहाँ तक आपको बर्फ जाएगी, जिसका नाम है खाजा ग्लेशियर, अगर वहाँ तक जाओगे सर तो पड़ेगा 1200 रुपये जोड़ी का अप एंड डाउन टाइम। और तक जितने देर 200 रुपये वो गाड़ी में आपको टोल टैक्स जी आर यूनियन फीस लेके सब कुछ खर्चा हमारे 700 रुपये पर सीट का, सब कुछ खर्चा हमारा। लेकिन गाड़ी से क्या है, लोकल साइड से पूरा घुमाएगा, पहले इधर ले जाएगा घोड़ी के एरिया में घुमाएगा वो आप देखो, हमें लगेगा एक घंटा पौना घंटा घुमाने में, लेकिन आप कितने देर किस पॉइंट पे रहेगा वो आप पे डिपेंड है, वो डिपेंड घोड़े पे भी वही है, डेढ़ घंटा आने जाने पॉइंट पे लेके जाए, जीरो पॉइंट बंद है सर, बहुत क्लियर हो गया उधर, जीरो पॉइंट बंद है सर। मेन तो सर आज यहाँ पे लोकल सर, जहाँ पे फर्स्ट के वन का मैं जो बोल रहा हूँ, जहाँ घोड़े जाते हैं सर वहाँ तक गाड़ी भी जाते हैं हाफ तक। और सोनमर्ग में ऊपर जो जीरो पॉइंट है उस पे जाने के लिए वो बता रहा है कि गाड़ी से भी जाता है जो साइड सीन करा के जाएगी, घोड़े से भी जा सकते हैं, उसके लिए आपको जो है ओवरकोट शूज और भी जो कपड़े यहाँ मिलते हैं किराए पे वो लेने हैं। जो कपड़ा है पूरा का पूरा सूट सूज के सही 300 रुपये में बता रहा है, तो देखते हैं अभी क्या डिसाइड होता है। सारे लोग यहाँ बैठ गए हैं, देखिए कैसे हम दे रहे हैं बर्फ को। तीसरा स्थान है निचिनाई दर्रा, यानी कि निचिनाई पास। तो जब आप यहाँ जाएंगे तो ये भी एक बहुत सुंदर स्थान है। इस निचिनाई दर्रे के पास में जो ट्रैकिंग एक मार्ग है जो ट्रैकिंग के लिए फेमस है, यहाँ पास में ही जो आपको कृष्णा सागर झील, गंगावल झील, गड़सर झील और बिशनसर झील की ओर भी ये जाता है, जो आपका ध्यान आकर्षित करेगी। यहाँ ऑक्सीजन का स्तर बर्फ के ढके होने के कारण थोड़ा कठिन है, आपको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि ऊंचाई पर है, और ये अपने शानदार दृश्य के लिए ये मजे आ रहे हैं। देखो सभी लोगों ने बूट पहन लिए हैं, जी बूट, यहाँ ड्रेसेज भी हैं और बूट्स भी हैं। नहीं चलेगा नहीं चलता दीदी, आपको भी नहीं चलेगा। घोड़े पे तो जाना चाहे वो घोड़े पे भी जा सकता है। घोड़े के क्या चार्ज लेते हो क्यों भैया जी? 1500 रुपये घोड़े का चार्ज है, आप चाहो तो घोड़े पे भी जा सकते हो। चौथा स्थान जो सबसे सुंदर है वो है कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रैक। जब आप इस ट्रैक को शुरू करेंगे तो आप घने जंगलों से, क्योंकि यह जो स्थान है 7800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, तो जब आप इन घने जंगलों, खूबसूरत घास के मैदानों, ऊंचाई वाली झीलों के बीच से गुजरेंगे तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा, एक अलग ही अनुभव होगा। तो यहाँ आपको बहुत ही अच्छे अच्छे दर्रे मिलेंगे, झरने मिलेंगे, जैसे निचिने दर्रा, गड़सर दर्रा है और गंगावल झील है और नुंदकोल झील है, ये सारी चीज़ें यहाँ बहुत ही सुंदर हैं। तो जब आप यहाँ जाएंगे आपकी फैमिली को लेके तो आपको आ जाएगा यहाँ पूरा आनंद। तो सोनमर्ग के जब आप होटलों में रुकेंगे और वहाँ खाना खाएंगे तो यहाँ का जो खाना है वो विशेष मिलता है, क्योंकि यहाँ सबसे लोकप्रिय जो व्यंजन है वो कश्मीरी व्यंजनों से प्राप्त होते। स्थानीय व्यंजनों में सियून ओलाव मसालेदार ग्रेवी में पकाए गए आलू हैं, उसमें मांस भी डालते हैं लोग, मूली के साथ पकाया जाता है कमल के डंठल। देखो दोस्तों क्या सीन है, मौसम इतना बढ़िया है आज सोनमर्ग का कि दिल खुश हो गया। और देखिए भाई जान हमारे कर रहे हैं ड्राइविंग और बाकी सभी लोग पीछे कर रहे हैं एंजॉय और सारे लोग हैं बहुत खुश। तो दोस्तों आपको इस ब्लॉग में काफी जानकारी मिली होगी, अब इसके अगले वाले ब्लॉग में आपको और आनंद आने वाला है और मिलेगी खूब सारी जानकारी, क्योंकि हम पहुंचने वाले हैं।